प्रदेश में किसान से मिलना भी अब एक अपराध हो गया। मैं इस वक्त तमिलनाडु के तिरुवनमलाई जिले में बैठा हूँ। 2 महीने से किसान कह रहे थे कि हमारी जमीन हड़पी जा रही है, सरकार एक हाईवे लेन बनाने के लिए हमारी जमीन ले रही है, आप आके हमारी बात सुन लीजिए, पुलिस ज्यादती कर रही है। आज उनकी बात सुनने के लिए हम पहुंचे और तमिलनाडु पुलिस ने हमें डिटेन कर लिया। 7 घंटे तक तो बैठाए रखा, बताया नहीं। उसके बाद आदेश दिया कि आप बिना किसी गांव में गए, बिना किसी के घर में भी मिले हुए यहां से चले जाइए तो हम आपको छोड़ देंगे। ये तो नहीं करूंगा, मैं तो मिलने आया हूं किसानों की बात। धरना प्रदर्शन पे आपने यहां बैन लगा रखा है, बैन मान लेंगे, लेकिन किसान की बात तो सुनने हम आए हैं, वो तो करेंगे। मैंने कहा आप कुछ कर लीजिए, मैं तो किसानों के पास जाऊंगा। बस मैंने ये कहा, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो इस देश में आंदोलन अपराध है, धरना प्रदर्शन अपराध है, और अब किसान को मिलकर उसका दुख दर्द पूछना भी अपराध है। कानून का राज है या पुलिस का राज है? यहां किसान को दबाने की ये ताकत, ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। किसान लड़ेगा और जीतेगा।